हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लॉस पेरेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन ऑन उत्कर्ष क्लाड क्लासेस दिस इज हसीब चौहान मेंटर फॉर योर लीगल रीजनिंग तो दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो शुरू होते ही आपको पता चल गया होगा कि पीछे एक वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड नहीं है वो अपने आप में पूरा एक एक्ट एक है जी हां बिल्कुल तो आज मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा कि हाउ वट इज द प्रोसीजर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रेक्ट तो कॉन्ट्रेक्ट की बात करें तो हम स्टेप बाई स्टेप चलते हैं सर ध्यान से समझिएगा सबसे पहले एक जो पर्सन होता है वो किसी सामने वाली पार्टी को ऑफर देता है तो इसका मतलब यहां पर टू फॉर्म अंट्रेक्ट एटलीस्ट देर मस्ट बी शुड बी दो पर्सन तो होनी चाहिए तो यह हो गया ऑफर देने वाला और सामने वाला जो है वो कौन हो गया ऑफरी जिसको ऑफर दिया जा रहा है अक्सर बच्चे जो है इस पर्सन को एक और नाम दे देते हैं एक्सेप्टर नहीं ये नाम गलत है जब पर्टिकुलर पर्सन किसी एक दूसरे पर्सन को ऑफर देता है तो अभी इस पर्सन के पास में कितने राइट्स हैं अगर मान लीजिए मैं आपके पास आया हूं कोई सामान बेचने के लिए तो क्या आपको खरीदना ही पड़ेगा क्या नो यू हैव टू डिफरेंट चॉइसेस वेदर यू वॉन्ट टू परचेज इट और नॉट आपके पास दो चॉइस है तो यस बोलोगे तो बनोगे एक्सेप्ट नो बोलोगे तो ऑफरी ही बने रहोगे यहीं पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगा तो एक पर्सन ऑफर देता है और सामने वाली पार्टी जिसको ऑफर दिया जाता है वो क्या होता है ऑफरी होता है कौन होता है ऑफरी तो यहां पर ऑफर और ऑफरी समझ में आया पॉइंट चलिए अब इसी को मैं शुरुआत करता हूं वापस एक नए सिरे से ध्यान से देखिएगा ये पर्सन ने दिया ऑफर ठीक है और किसको दिया है सामने वाले को एक ऑफर ही दिया है चलिए तो सामने वाले को ऑफर को इसने ऑफर दिया ऑफर के साथ में अगर मान लीजिए आपने यस बोल दिया सामने वाली पार्टी ने यस बोल दिया तो ऑफर के बाद में क्या आ गया सेकंड पॉइंट क्या हो गया सेकंड स्टेप क्या हो गया एक्सेप्टेंस तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जिस जगह पर मैच हो जाए मिल जाए वहां से एक नया पॉइंट शुरुआत होता है नया प्रोसीजर होता है तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये प्रॉमिस हो गया बाय बोथ पार्टीज प्रॉमिस फ्रॉम बोथ पार्टीज दोनों के दोनों पार्टीज की तरफ से यह हो गया है प्रॉमिस ठीक है सर अब यह जो प्रॉमिस हुआ है इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा तो ध्यान से सुनो प्रॉमिस में आपको ऐड करना पड़ेगा कंसीडरेशन क्या जोड़ना पड़ेगा प्रॉमिस में कंसीडरेशन जोड़ना पड़ेगा किसकी तरफ से सर कंसीडरेशन फॉर बोथ पार्टीज दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन होना चाहिए अच्छा कंसीडरेशन सफिसंट होना चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ लेकिन उसका एडिकेट होना जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर सफिशियंट का मतलब वैल्यूएबल सॉरी कंसीडरेशन जो है वो वैल्यूएल होना चाहिए इन दी आईज ऑफ लॉ दोनों पार्टीज उस कंसिडरेशन पर सेटिस्फाइड हो दोनों की अपनी अपनी इच्छा है मर्जी है वो कंसिडरेशन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए इस बात से लॉ को कोई लेना देना नहीं है। तो प्रॉमिस के साथ जैसे ही कंसिडरेशन आकर जुड़ जाता है तो एक नया वर्ड जन्म लेता है इस दुनिया में वो वर्ड क्या है अग्रीमेंट तो बनता है अभी भी गौर से देखना अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना अभी भी क्या बना है सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट ही बना है और इसी अग्रीमेंट के साथ में अगर ध्यान से सुनो अगर यह अग्रीमेंट ऐसा है कैसा है सर अगर यह अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा वेदर एन अग्रीमेंट वेदर हाउ कैन अ पर्सन डिसाइड दैट अग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल लॉ और दो अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ आप कैसे डिसाइड करेंगे वेन

के सर अग्रीमेंट को बनाने के लिए भी कुछ असेंशियल है क्या बिल्कुल है हंड्रेड परसेंट है पहला जो पॉइंट है वो है प्लूरिटी ऑफ पर्सन मतलब किसी अग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है उसके बिना अग्रीमेंट नहीं बनेगा सेकंड पॉइंट जो है वो है मीटिंग ऑफ माइंड मतलब उन दोनों के दिमाग में सेम टू सेम पॉइंट पर ही सारी चर्चा हो वो दोनों किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस में अग्री होते हैं तब ये क्या पैदा होता है अग्रीमेंट होता है मान लो सर कि अगर एक पार्टी कुछ और सोच रही है दूसरी पार्टी किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पर सोच रही है तो वो चीज क्या नहीं मानी जाएगी वो चीज आपकी अग्रीमेंट नहीं मानी जाएगी और जब कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अग्रीमेंट के क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है इसीलिए कहते हैं ऑल दी अग्रीमेंट्स वर सॉरी ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसीडर्ड एज एन वैलिड अग्रीमेंट जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आया है वो हंड्रेड परसेंट अग्रीमेंट तो वैलिड था लेकिन सारे के सारे अग्रीमेंट्स फाइनलाइज हो जाए कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें चीजें हैं 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 भी भी होते हैं, भी होते हैं, तो ये सारी जो हैं वो अग्रीमेंट के केस पर लगती है तो हमने वापस एक बार फटाफट -फड़ से मैं कर देता हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से इट विल बिकम अ प्र फ्रॉम बोथ साइड ऑफ पार्टीज एंड वेन दी कंसिडरेशन इज एडेड अंडर द प्रोमिस

मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है जिसको हम कंसेस एड आइडम भी बोलते हैं तो इस छोटी सी जर्नी के लिए हमने आपको इस छोटी सी जर्नी में हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा सफर तय करके दिखा दिया है आई होप यू विल गेट माई पॉइंट तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक लेटा बाय बाय सी बाय